हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ समीर गोयल और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टूरिज्म एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रोहतांग के बारे में जो है एक बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। वो अपडेट क्या है, किस तरीके से जो है आप लोग के लिए फायदेमंद हो सकती है, इस पूरी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए वीडियो कैसी लगी। अपने कोई सजेशंस हैं, आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसका आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज के अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया है कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको रोहतांग के बारे में एक बड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ। वो अपडेट यही है कि रोहतांग पास जो है वहाँ पर जो पूरी मोटरेबल रोड है उसको बना लिया गया है और अब जो है रोहतांग पास पूरी तरीके से जो है खुल गया है। लेकिन एक यहीं पर एक साइड न्यूज मैं आपको और देना चाहूंगा कि ये रोहतांग पास खुला तो जरूर है लेकिन ये जो रोहतांग पास है ये वहाँ के जो लोकल्स हैं यानी कि मनाली से और रोहतांग से ऊपर के जो लोकल्स हैं केलोंग वगैरह और उधर की साइड के लिए उन लोग के लिए बेसिकली ये खोला गया है। उसके अलावा अभी ये टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं दोबारा बता देता हूँ कि रोहतांग पास जो है खुल गया है लेकिन टूरिस्ट के लिए नहीं खोला है। अभी फिलहाल कोई भी टूरिस्ट वहाँ नहीं जा सकता, उसको किसी भी तरीके से जो है वहाँ जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से ये चीज़ साफ कर दी गई है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर रोहतांग पास टूरिस्ट के लिए नहीं खुला है तो फिर किस तरीके से जो है वो खुल गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि रोहतांग पास जो है वो काफ़ी एक हाइट पर है, मनाली से ऊपर है और हिमाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी फेमस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, खासतौर से समर्स के बीच में, क्योंकि ये रोहतांग पास जो है समर्स के दौरान ही मई एंड तक जो है वो खुलता है और नवंबर सेकेंड वीक तक ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि इसकी ऑफिशियल डेट रहती है खुले रहने की। इसके बाद रोहतांग पास बंद हो जाता है। हालांकि कुछ लेट भी ये ओपन होता है और कुछ जल्दी भी हो सकता है ये बंद हो जाए, वो डिपेंड करता है वहाँ की वेदर कंडीशंस के ऊपर। अगर ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है नॉर्मल इस टाइम के आसपास में और स्नो काफ़ी पड़ जाती है तो रोहतांग पास को काफ़ी पहले जो है वो बंद भी किया जा सकता है और काफ़ी लेट भी हो जाता है इसको ओपन करने में, जो उसकी नॉर्मल डेट्स होती हैं ऑफिशियली डेट्स जो हैं उसके हिसाब से। तो दोस्तों, खुलता और बंद वो किस तरीके से होता है, वो ये होता है कि रोहतांग पास बेसिकली एक पास है और वहाँ पे काफ़ी बड़ी एरिया में जो है स्नो रहती है, स्नोफॉल वहाँ पर होती है और स्नोफॉल की वजह से ही वहाँ जाने का जो पूरा रास्ता है वो बंद हो जाता है स्नो के कारण और आप किसी भी तरीके से जो है वहाँ नहीं जा पाते हैं। तो इस कंडीशन में रोहतांग पास बंद हो जाता है और हर साल की तरह इस साल भी जो है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है ये शुरुआत की जाती है मार्च के आसपास में, अप्रैल के शुरुआत में जो है वहाँ पर स्नो हटाने की जो एक प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाता है। जो रोड होती है वहाँ पर उसके ऊपर इतनी ज़्यादा जो है स्नो हो जाती है कि कई फुट तक वहाँ पर बर्फ जम जाती है। तो ऐसे में BRO के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती होती है कि उस के ऊपर से जो है रोड के ऊपर से बर्फ पूरी तरीके से हटा दी जाए ताकि रोड जो ब्लॉक हो रखा होता है स्नो की वजह से वो पूरा पूरा खुल जाए। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि प्रॉपर कई जगह तो इतनी ज़्यादा हाइट में बर्फ होती है, वो इतनी ज़्यादा जो है हार्ड हो जाती है कि एक दीवार जैसी वहाँ पर जो है वो बन जाती है। और हाइट की अगर मैं बात करूँ तो एक बस की हाइट से भी ज़्यादा हाइट जो होती है वहाँ स्नो की रहती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से वहाँ स्नोफॉल होती है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ मैं कहूँगा स्नोफॉल होती है। रोहतांग ही नहीं, सोलांग वैली, कोठी, गुलाबा, यहाँ पर भी जो है सर्दियों में वैसे तो स्नो आपको मिल जाती है, इवन फरवरी मार्च तक भी कई जगह आपको स्नो मिल जाती है। लेकिन अगर आपको मई जून में स्नो का मज़ा लेना है, स्नो इन्जॉय करनी है,
तो आपको रोहतांग जाना पड़ता है। और अभी फिलहाल जो है देश के और दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, आप सभी को मालूम है कि पूरी दुनिया जो है इस समय कोरोना से प्रभावित है। कोरोना वायरस हर एक कंट्री में फैला हुआ है, इंडिया भी उससे अछूता नहीं है। इंडिया में भी काफी ज्यादा जो है केसेस 50 से 55 हज़ार के बीच में केसेस हाल फिलहाल में आ चुके हैं और धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। ऐसे में पूरी कंट्री में फिलहाल लॉकडाउन किया गया है और लॉकडाउन 3.0 फिलहाल में जो है वो चल रहा है। हो सकता है आगे भी इसे बढ़ा दिया जाए ताकि देश में उस लेवल पे कोरोना वायरस ना पहुंच जाए, उस लेवल पे जो है नुकसान ना कर दे जितना और देशों में हुआ है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल लॉकडाउन की वजह से भी आप जो है कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर जो है रोहतांग में प्रॉपर वो रोड तो पूरी तरीके से खोल दी गई है, पूरी तरीके से उस पर से स्नो हटा दी गई है, लेकिन रोहतांग पास अभी नहीं खोला गया है टूरिस्ट के लिए। जो लाहौल स्पीति या फिर किलोंग कह लीजिए, वहां या उसके आसपास जो रहते हैं लोग, वो मनाली आ जाए या फिर मनाली से वहां चले जाए, तो बस अभी फिलहाल उतना ही जो है उसकी परमिशन वो भी अथॉरिटीज से लेकर के लोग इधर उधर जो लोकल्स हैं वो जा सकते हैं। हालांकि उसके लिए भी परमिशन इतनी इजीली नहीं अभी फिलहाल कोरोना की वजह से दी जा रही है। तो टूरिस्ट के लिए तो बात ही बाद में होती है, क्योंकि अभी टूरिस्ट सीजन भले ही मई शुरू हो गया है, जून जो है वो पूरा रहता है टूरिस्ट का और काफी फेमस रहती है वो जगह और काफी भीड़ फेमस होने की वजह से वहां रहती है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी सब कुछ बंद पड़ा है, कुछ भी जो है वहां पर एक्टिविटीज टूरिस्टी नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। और कब तक ऐसा रहने वाला है इस चीज के लिए भी अभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, क्योंकि आफ्टर ऑल अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने ये लॉकडाउन लगाया हुआ है, लॉकडाउन बताया हुआ है, जोन वाइज एरिया बांटे हुए हैं रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से। बट फिर भी कोरोना वायरस का खतरा काफी ज्यादा है और ग्रीन जोन भी अगर मैं कह लूँ तो वहां पर भी है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं आपको यही बताऊंगा कि रोहतांग पास जो है अभी ओपन नहीं हुआ है टूरिस्ट के लिए। वैसे वहां से स्नो क्लियर कर दी गई है पूरी तरीके से और अभी भी मैं कहूंगा कि वहां पर स्नो बहुत ज्यादा जो है वो पड़ी हुई है आसपास में रोहतांग के, काफी ज्यादा स्नो जो है वो वहां पर है। और ऐसे में क्या होता है, स्नो अभी फिलहाल वहां मेल्ट इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा जो है ट्रैफिक नहीं है, बहुत ज्यादा गाड़ियां वहां टूरिस्ट की नहीं जा रही है, तो ऐसे में वो स्नो वहां पर अभी मेंटेन रह सकती है। नॉर्मल जितना दिन रुकती है उससे ज्यादा वहां पर रहने वाली है। तो अगर आगे फ्यूचर में लॉकडाउन ओपन हो जाता है, लॉकडाउन खत्म हो जाता है और उसके बाद में अगर जो है सरकार की तरफ से वहां पर टूरिस्ट एक्टिविटीज की परमिशन दे दी जाती है तो जरूर आप वहां जा करके जो है स्नो को एंजॉय कर सकते हैं। बट फिलहाल अभी टूरिस्ट के लिए नहीं खोला गया है। जैसे ही कोई भी अपडेट रोहतांग पास को लेकर के आती है, मैं अपने व्यूअर्स के लिए, अपने परिवार के लिए जो है जल्द से जल्द उस वीडियो को उस अपडेट को लाने की कोशिश करूंगा वीडियो के जरिए। और अभी फिलहाल के लिए जो है अपडेट यही है कि रोहतांग पास से स्नो जरूर क्लियर हो गई है लेकिन वो टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये समझ में आया है हमारे थ्रू की रोहतांग का जो स्टेटस है वो क्या है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आगे फ्यूचर में भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे।